ये आगरा बाईपास रोड पर, जो सिकंदरा से अगर हम दिल्ली रोड पर जाते हैं तो ये शोरूम आपको मेन हाईवे पर मिलेगा। तो बने रहिए, अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्कूटर्स यहाँ पर। ये है बैनलिंग इंडिया, आप देखिए इसका। ये चाइनीज़ कंपनी है जो इंडिया में इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। वैसे आपको मैं अपने सारे रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सभी में पार्ट्स चाइना या जापान से ही आते हैं। तो ये भी एक कंपनी है बैनलिंग। तो मेरे काफ़ी सारे रिव्यूज़ में लोगों ने डिमांड की थी, मेरे व्यूअर्स ने, कि एक इन कंपनी का भी आप रिव्यू कीजिए। तो ये बैनलिंग कंपनी का मोस्ट सेलिंग स्कूटर ये आगरा में एजेंसी है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देखिएगा। तो ये फैल्कन मॉडल है। फैल्कन में क्या क्या हमको इसमें कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये मैं आपको यहाँ जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके मैं आपको, फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जीक्यूटिव आ गए हैं कंपनी से, ये बताएंगे इस स्कूटर के जो जो इसमें स्पेशल चीज़ें हैं जो और स्कूटर से इसको अलग बनाता है, तो इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। वेलकम सर, आप बताइए इस स्कूटर के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ आप जो दे रहे हैं जो और कंपनी से अलग है, जो इसको अलग बनाता है? सर, इसमें रिवर्स गियर भी है। जी, तो रिवर्स गियर आप बता रहे हैं, इसमें रिवर्स गियर है, तो बैठे बैठे वो कैसे रिवर्स होगी? फुट तो उसको लगाने होंगे, फुट तो उसको टच करने पड़ेंगे ना? यस सर। जी, पीछे करके इसमें पीछे हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 45 से 50। तो इसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है? विदाउट ऑडियो पास। थोड़ा जोर से बोलिएगा। विदाउट ऑडियो पास। तो इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं? सर, ब्लू है, रेड है और वाइट है। वाइट। तो ये जो है ऑन रोड हमको कितने का पड़ेगा? सर, 72 का पड़ेगा। जी, तो इसके मीटर कंसोल में आप बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? तो इसमें पावर मोड है सर, गियर मोड जी, बैटरी का, किलोमीटर का और रेसिंग का सर। तो ये फुल वन चार्ज में कितना किलोमीटर ये रन करता है? 70 से 75 किलोमीटर। 70 से 75। अगर डबल सवारी है तो सर इतना ही करेगा, बराबर है। बराबर है। तो इसका जो बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी है वो कितनी देर में चार्ज होती है? फुल चार्ज चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग है? यस सर। थोड़ा इसका बूट खोल के दिखाइएगा सर। लिथियम बैटरी में ये इसका बूट स्पेस है दोस्तों। ये लिथियम बैटरी में, ये लिथियम आयन बैटरी, आप देखिए। यहाँ से रिमूवल करके यहाँ से जी ऐसे हो इसको बाहर ले जाकर चार्ज कर सकते हैं? यस सर। इस बैटरी की कितनी वारंटी है? इसके 3 साल की है सर। रिप्लेस करके देते हैं? तो दोस्तों ये दो कलर मैंने आपको दिखाए हैं फैल्कन कंपनी में। ये बैनलिंग का सबसे मोस्ट सेलिंग स्कूटर है। इसकी मैं प्लास्टिक क्वालिटी और जो भी इसमें कुछ दिया गया है वो अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें ये 62,000 से स्टार्ट होता है और 72,000 तक जाता है। इसमें लेड एसिड बैटरी वाला मॉडल है जो 62,000 के आसपास है, और जो लिथियम आयन बैटरी है वो दोस्तों आपको मिलेगा 72,000 तक। तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे हीरो ऑप्टिमा से तो लगभग उसी के आसपास है, बट मैं आपको इसकी पूरी ओवरऑल क्वालिटी और पूरी ओवरऑल बिल्ड इसकी आपको अभी कंपेयर करके बताऊंगा। ऑप्टिमा तो अपने पास नहीं है, बट इन दोनों को ही मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उससे आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये भी 3 साल की वारंटी बैटरी पर देते हैं, प्लस जो मोटर है उस पर 2.5 साल की वारंटी है, और जो ये चार्जर आपको दिख रहा है ये चार्ज हो रहा है, इसकी 1 साल की वारंटी है। तो एक चीज़ आप दोस्तों देख लीजिए, ये अपना हीरो ऑप्टिमा में, इसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि इसमें ये डिस्क ब्रेक का प्रोविज़न है जो आपको हीरो ऑप्टिमा में नहीं मिलेगा। प्लस आपको ये स्कूटर अगर आप देखें, हालांकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमा ही बिकता है, बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको देखिए, इसमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम भी है, एंटी लॉक सिस्टम, तो वो इसका, मैं इसको टच कर रहा हूँ तो वो भी अपना साउंड कर रहा है। तो ये आपको प्रॉपर स्कूटर टाइप लगेगा।
आप देखिए इसमें जुगाड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये जैसा बैटरी वाले ई रिक्शा आपने देखे होंगे वो जैसा आपको फील नहीं होगा इसमें। और ये जो आप इसके साथ पूरा लेग ग्रिल देख रहे हैं आगे की एसेसरीज, इसका जो है प्राइस में ही इंक्लूडेड है, अलग से आपको प्राइस नहीं देनी होगी। दोस्तों अगर आप इसकी सीट देखेंगे तो हीरो ऑप्टिमा से आपको छोटी लगेगी, फिर भी दो एवरेज हाइट के दो लोग इस पर बैठ सकते हैं। ये इन्होंने रैप किया हुआ है, मैं आपको पीछे से नहीं ज़्यादा दिखा सकता, बट इसमें पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है। और ये फुटरेस्ट भी इन्होंने अच्छा एक्टिवा की जैसा ही दिया हुआ है, जो आपको हीरो ऑप्टिमा और फ्लैश ली में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये दो कलर हैं। अगर इसकी आपको और मैं थोड़ा सा ये प्लास्टिक क्वालिटी, जैसे ऑप्टिमा में मैं आपको बताता रहता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ ये प्लास्टिक थोड़ी सी बेटर है। अगर आप इसकी ये चीज़ देखेंगे दोस्तों, ये मैं आपको अपने आप फील करके बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी है। ये उस टाइप की नहीं है कि बहुत जल्दी टूट जाए। तो अब ये ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी मजबूत मुझे नज़र आ रही है, बट फिर भी आपको रोड पर ये कम मिलता है। तो ये बहनलिंग कंपनी का जो आगरा में शोरूम है उसका वर्कशॉप है, आप देख लीजिए दोस्तों, ये कुछ इतना बड़ा है, बड़ा तो काफ़ी है, देख लीजिए। ये स्कूटर भी सामने खड़ा हुआ है दोस्तों, और इसका भी मैं रिव्यू करूँगा, ये ही सबसे ज़्यादा इसका स्कूटर, क्योंकि ये अभी यहाँ अवेलेबल नहीं था, ये तो सर्विस के लिए आया हुआ है। तो इसका जब ये अवेलेबल हो जाएगा तो इसका भी मैं रिव्यू करूँगा, ये वेस्पा जैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, ये सर्विस सेंटर हीरो कंपनी का भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और ये बहनलिंग कंपनी का है। वॉश ये भी नहीं होता है, ये ऑयलिंग वगैरह का।